डॉक्टर साथियों, मैं हूं नरेंद्र, स्वागत करता हूं हमारे चैनल एनके टेक्निकल गुरु में। साथियों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये प्लांट तोतापुरी का है, और तोतापुरी प्लांट में गूटी सिस्टम कैसे बनाना होता है मैं आपको बता दूं। आपको दिख रहा है ये मैंने इतना डाली को मैंने कट कर लिया है, देखना है कि ये डाली काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और इसमें ब्रांचेस भी हैं। तो मैंने यहाँ से इस डाली को इतना इसको छील लिया है, जो इसके ऊपर की छाल होती है ये वाली, इस छाल को इतना मैंने 2 इंच कम से कम निकाल लिया है, और 2 इंच की ये छाल निकाल करके इसके अंदर का जो भाग है, जो कड़क वाला हिस्सा है, इसको जो है रखना है। बाकी आगे बताते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ से आपको बता दूं, चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से छील लिया है, और जो ये बीच में आपको थोड़ा सा दिख रहा है ये ब्लैक, इसको भी अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि जो पौधा भोजन बनाता है वो कि पेड़ की छाल जो होती है उसी से पौधा भोजन ले लेता है। तो इसको मैंने चारों तरफ से ऐसे छील लिया है, ऊपर की छाल उतार ली है। अब इसको हम कोकोपेट और गोबर खाद और मिट्टी का मिश्रण लेकर के इसको चारों तरफ से बांधेंगे। तो चलिए बांध के मैं आपको बता दूं। साथियों, मैंने ये कोकोपेट ले लिया है, ये गोबर खाद है मिक्स वाला, और ये थोड़ा सा मिट्टी भी ले लिया है मैंने। तो तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर मैं इसका गूटी बनाऊंगा आपके सामने। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ पहले। साथियों, मैंने मिक्स कर लिया है, इस पॉलीथिन में रख दिया है। अब इस पॉलीथिन को मैं उसी गूटी जगह पे बांधूंगा जहाँ पर मैंने ये, आप देख सकते हैं ये मैंने छील लिया है, जहाँ पर यहाँ पर मैं इस पॉलीथिन को बांध दूँगा। चलिए इसको, साथियों, इस प्रकार से मैंने इसको गूटी को बांध दिया है, और अभी इसमें मैं पानी भी डाल दूँगा ताकि इसमें नमी बनी रहे, और ये लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर ये गूटी सफल हो जाएगी, इसमें जड़ें आ जाएंगी। तो साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आप भी इस प्रकार से पेड़ पौधों में रुचि रखते हैं तो गूटी सिस्टम से कोई सा भी पौधा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे चैनल पर, और ऐसे ही हरे पेड़ पौधे लगाइए ताकि आपका जीवन सफल रहे। जय हिंद दोस्तों, जय किसान।